डीएसपी की बेटी बनी आईएएस, लो की पढ़ाई के साथ की यूपीएससी की तैयारी, दूसरे प्रयास में हासिल किया चौथा स्थान। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति प्रकाश धादिच और दी ऑफिसर्स के इस वीडियो में जानते हैं यूपीएससी टॉपर स्मृति मिश्रा की सक्सेस स्टोरी। दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस परीक्षा में टॉप चार में लड़कियां ही रही। परीक्षा में इशिता किशोर ने टॉप किया है, दूसरे स्थान पर गरिमा लोहिया और तीसरे स्थान पर उमा हरती एन, चौथे पर स्मृति मिश्रा रही। यूपीएससी टॉपर की सूची में बरेली में तैनात डीएसपी राजकुमार मिश्रा की बेटी स्मृति मिश्रा ने यूपीएससी में देश भर में चौथी रैंक हासिल की है। वो मूलतः प्रयागराज की रहने वाली है, दूसरे प्रयास में उनको यह सफलता मिली है। स्मृति इस समय दिल्ली से लॉ की पढ़ाई भी कर रही है। यूपीएससी 2022 का परिणाम आने पर जैसे ही स्मृति की चौथी रैंकिंग आई तो उन्होंने अपने पिता को कॉल करके कहा कि पापा, मैं आईएएस बन गई हूँ, देश भर में मैं चौथे नंबर पर आई हूँ। दोस्तों, आपको बता दें कि स्मृति मिश्रा की 12वीं तक की पढ़ाई आगरा से हुई, उसके बाद दिल्ली से बीएससी की, अब दिल्ली से ही लो कर रही हैं। यूपीएससी में यह उनका दूसरा प्रयास है जहां उनकी चौथी रैंकिंग आई है। स्मृति मिश्रा अपने पापा और मम्मी से यही कहती थी कि मुझे आईएएस ही बनना है। इसके लिए वो 7 से 8 घंटे नियमित पढ़ाई करती थी, जितना पढ़ती उसे डेली नोट्स में तैयार भी करती थी। दोस्तों, स्मृति का जन्म यूपी के आगरा में हुआ और वहीं से उन्होंने अपनी स्कूलिंग पूरी की। इसके बाद वो अपनी माँ अनीता मिश्रा के साथ दिल्ली आ गई और यहाँ से आगे की पढ़ाई की। स्मृति के पिता उत्तर प्रदेश पुलिस में सीओ द्वितीय के पद पर बरेली में तैनात हैं। पिता राजकुमार मिश्रा को जैसे ही बेटी की सफलता की सूचना मिली वो खुशी से झूम उठे। स्मृति के भाई लोकेश मिश्रा अधिवक्ता हैं और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। वहीं स्मृति की सफलता पर घर में खुशी का माहौल है। दोस्तों, आप यूपीएससी टॉपर इशिता किशोर की सक्सेस स्टोरी आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऑफिसर्स से जुड़ी जानकारी के लिए देखते रहिए दी ऑफिसर्स। धन्यवाद।